Hello everyone, very good morning. Today is 11th of January and we are here for the current affairs class. So please everyone do join the session and like the session. So हमेशा की तरह आज भी हमारे पास बहुत सारे questions हैं और साथ ही साथ हम बहुत सारा revision भी करने वाले हैं. So let's see without wasting any time, what are those questions? तो सबसे पहले आपके सामने एक photo है और आपको दिख रहा है कि a lady is with a bronze statue. तो पहले नाउ वी आर स्टार्टिंग अ डिफरेंट थिंग कि क्या आप इस फोटो को देख के, क्या आप इस पिक्चर को देख के बता सकते हैं कि करंट अफेयर्स क्या होगा, ताकि थोड़ा सा मेमोरी जो है आपका शार्पन हो, है ना. पिक्चर मेमोरी जो है आपका शार्पन हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द क्वेश्चन इज हु बिकम द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू गेट अ ब्रॉन्ज स्टैचू. पहली महिला जो क्रिकेटर है वो कौन बनी है जिनको एक जिनके लिए एक ब्रॉन्ज स्टैचू बनाया गया है. तो ये है आपका क्वेश्चन. तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए. एवरीथिंग इज फाइन, द वॉइस इज क्लियर, द वीडियो इज क्लियर, राइट. द वॉइस एंड द वीडियो इज क्लियर, है ना. तो हु इज शी, बिल्कुल 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 आ गया आंसर, आ गया आंसर. बच्चे जो हैं वो बिल्कुल एकदम आ गए हैं जोश के साथ. तो ये है, इनका नाम क्या है, बेलिंडा क्लार्क, है ना. ये ऑस्ट्रेलिया की फॉर्मर कैप्टन रह चुकी हैं, बेलिंडा क्लार्क, और फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर हैं जिनको, जिनके लिए क्या बनाया गया है, एक स्टैचू बनाया गया है उनका, और ये सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में डाला गया है. सेकंड पिक्चर इज दिस, यहाँ पे आप देख सकते हैं नवरत्न कंपनी है, NLC इंडिया लिमिटेड. तो ये नवेली में है, नवेली में है, इसके बारे में कुछ बताइए, है ना. तो यहां पे बात पूछा क्या जा रहा है आपसे कि NLC इंडिया लिमिटेड के MD एंड चेयरमैन कौन बने हैं, ठीक है. तो NLC इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन बने हैं प्रसन्ना कुमार मुत्तुपल्ली, है ना. तो यहां पे ये इसके चेयरमैन बने हैं, और मुझे लगता है कि NLC इंडिया लिमिटेड का फुल फॉर्म आप लोग मुझे बता सकते हैं, है ना. और साथ ही साथ आप मुझे बता सकते हैं कि आयरन का जो ओर होता है, एक बड़ा सा पत्थर जिससे आयरन निकलता है, आयरन के ओर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि सबसे हाई क्वालिटी का होता है मैग्नेटाइट, राइट. उसके बाद हेमाटाइट, है ना. इंडिया में कौन सा मिलता है, हेमाटाइट ज्यादा मिलता है, फिर लिमोनाइट मिलता है, और सिडेराइट भी मिलता है, सिडेराइट. ये सब क्या है गाइज, ये सब आपके आयरन के ओर है. आयरन जो जिसमें सबसे ज्यादा मिलता है, जो सबसे अच्छे क्वालिटी का होता है, जिसको ब्लैक आयरन कहते हैं, वो है आपका मैग्नेटाइट. और उसके बाद क्वालिटी जो है वो घटते जाता है. और अब आपका होमवर्क क्या है कि मिनरल मैप ऑफ इंडिया बनाना है, जिसमें आयरन कहाँ कहाँ मिलता है, जैसे कि कर्नाटका में कुदेरमुख डिस्ट्रिक्ट हो गया, या फिर आपका वेस्ट बंगाल में रानीगंज हो गया, झड़िया तो आपका कोल के लिए फेमस है. तो इस तरह से आपको आयरन ओर बताने हैं कि भारत में कहाँ कहाँ मिलते हैं, राइट. यस, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सत्यम, वेरी गुड. और नेवेली आपका तमिलनाडु में है, आयरन वहां पे भी मिलता है. यहाँ पे आपको नेक्स्ट पिक्चर दिख रहा है, पिक्चर से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये F1 रेसिंग टाइप का कुछ लिखा बना हुआ है, इसके बारे में बात हो रही है. तो पूछा जा रहा है कि इंडिया का पहला ABB FIA फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस ये कहाँ पे होस्ट होने वाला है, क्या ये बेंगलुरु में होने वाला है, चेन्नई में होने वाला है, हैदराबाद में, या कोयम्बतूर में. तो ये कहाँ होने वाला है, ये बिल्कुल हैदराबाद में होने वाला है. हैदराबाद तेलंगाना इज सेट टू होस्ट 2023 ईप्रिक्स. बहुत सारे बच्चे गलत बता रहे हैं, चेन्नई नहीं है, है ना, है ना. हाँ बिल्कुल. तो साथ साथ प्लीज मैप बनाते जाओ. आज का मैप है आपका मिनरल मैप ऑफ इंडिया, इसको आप बनाइएगा और मुझे भेज दीजिएगा, मैं भी आपको एक अच्छा सा मैप बना के जरूर भेजूंगी, ठीक है. तो ABB FIA फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप इसका रेस है, और ये आपका 11th of February को है. नेक्स्ट आप देखिएगा एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, ये इसके बारे में क्या न्यूज है, APPU. तो विच कंट्री हैज टेकन ओवर द लीडरशिप ऑफ एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन, तो कौन सा कंट्री लीडरशिप लिया है, ये है इंडिया. तो पोस्टल यूनियन के लिए एशिया पैसिफिक, पोस्टल यूनियन के लिए एशिया पैसिफिक का एक ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ पे इंडिया के विनय प्रकाश सिंह जो है
वो चार्जेस को अज्यूम किए हैं। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे रिविजन कर रहे हैं, कल वाले बच्चे जो हैं वो देखे होंगे अगर सेशन, तो आपको इजी लगेगा, अदरवाइज कोई बात नहीं, लेकिन रेगुलर रहिए, आज से रेगुलर रहना जरूरी है। अब देखें यहाँ पे आपको एक और पिक्चर दिख रहा है, यहाँ पे आपको कुछ डांस टाइप का पिक्चर दिख रहा है, और आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो डांस है, ये जो कल्चर है, कल्चर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हमारा ज्योग्राफी में फोकस रहेगा रिवर पे, मिनरल पे, और अभी जो आर्ट एंड कल्चर का जो सिस्टम है ना, और इन्वायरमेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, तो इमिनो डे जो है ये कहाँ होता है, मणिपुर में होता है, ये मणिपुर का डांस है, ये जिस जो आप देख रहे हैं ना, मणिपुरी खुद में भी एक क्लासिकल डांस है भारत का, आपको पता होगा। तो ये ट्रेडिशनल रिचुअल्स और सेरेमनी को मार्क करता है मणिपुर का ये डांस, और यहाँ पे ये मेटी लुनार मंथ का 12वां दिन है। नेक्स्ट आप देखेंगे एक बच्चे का पिक्चर है, ये बच्चा कौन है जल्दी से बताइएगा, आपका बच्चा है गाइस, सुबह सुबह जोक, हाँ जी आप लोग भी गर्म पानी पीजिए, इंपॉर्टेंट है, चेस से रिलेटेड है, बिल्कुल चेस से रिलेटेड है। ये 78 ग्रैंड मास्टर हैं इंडिया के, आपने बताना है कि 78 ग्रैंड मास्टर भारत के कौन है, नहीं अब ये बदल गए हैं, कौस्तुभ चैटर्जी हो गए हैं। ठीक है, कौस्तुभ चैटर्जी 19 साल के हैं, चेस प्लेयर, कोलकाता इंडिया के हैं, और देखिए कोलकाता के हैं, अभी तक सारे साउथ इंडिया के बने थे, ये 78 ग्रैंड मास्टर बने हैं, और ये 10th ग्रैंड मास्टर फ्रॉम स्टेट भी रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के। चैटर्जी फिडे रेटिंग सरपास 2500। ठीक है, तो इनका रेटिंग जो है बढ़ चुका है। नेक्स्ट आप देखेंगे इनका पिक्चर, तो ये कौन है, इनको इनके बारे में कोई आइडिया है, बोल रहा है दादा, अच्छा जी लेट हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि कम से कम 8 बजने के पहले तो उठ जाओ, करंट अफेयर्स की क्लास होती है, इतने सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, क्लास इंपॉर्टेंट है, क्लास के पहले आप अपना जो दिनचर्या है ब्रश वगैरह कर लीजिए, है ना, और साथ ही साथ थोड़ा माइंड फ्रेश कर लो कि अच्छा भाई बहुत सारे क्वेश्चन याद करने आज। इनका नाम मिताली ठाकुर है, बिल्कुल सही बता रहे हैं, और ये क्या है, स्टेट आइकन है बिहार की, तो स्टेट आइकन कौन बनी है बिहार की, इनका नाम है मिताली ठाकुर। मिताली ठाकुर जो है फोक सिंगर भी हैं, और इनको इलेक्शन कमीशन बना चुका है बिहार की स्टेट आइकन, सिर्फ 22 इयर्स की है, इनको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वोटर्स में, ताकि लोग आके वोट दे, आइकन बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और पिक्चर है, इस पिक्चर में क्या हो रहा है, कोई ओथ सेरेमनी लग रहा है मुझे, तो आपको क्या लगता है, हाँ बस 22 साल के हैं राजा बाबू, देख लीजिए 22 साल में कहां से कहां पहुंच गए लड़की। तो अब आप देखेंगे यहां पे पूछा जा रहा है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द सीएम सुरक्षा, सीएम सुखाश्य सहायता कोष। ठीक है, तो सुखाश्य, सुख दिया जाएगा सबको, ये हिमाचल प्रदेश है, वहां के सीएम है सुखविंदर सिंह, तो ऐसे याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह ने सुख आश्रय सहायता कोष रखा है, जिसमें 101 करोड़ रुपए लगेंगे, और यहाँ पे ये फर्स्ट सैलरी ऑफ द फंड, जितने भी मिनिस्टर एंड कांग्रेस के एमएलए हैं वो अपने फर्स्ट सैलरी, अपना पहला सैलरी फंड में देंगे, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पे 40 एमएलए हैं, 68 मेंबर में 40 जो है कांग्रेस के लोग हैं हिमाचल प्रदेश में, और ये लोग अपने पैसे को इस फंड में डालेंगे ताकि सबको आश्रय मिले, आश्रय मतलब कि घर मिले। साथ ही साथ आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है हमारा जिसमें सबसे ज्यादा लोग गांव में रहते हैं, यहाँ पे अर्बनाइजेशन सबसे कम है, और सेकंड में कौन सा है, तो बिहार है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको एक लेडी का पिक्चर दिख रहा है, ये लेडी कौन है और ये क्या कर रही है, ये आपको बताना है सोच के समझ के आराम से। यस, अच्छा आप हिमाचल में रहते हैं, ओके। रीता शर्मा है, कहती है हिमाचल में रह रही है, बहुत अच्छे। राजा बाबू कह रहे हैं कि हम बिहार में हैं, ओके इवन बेटर। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है मंजुला सुब्रमण्यम, 74 इयर्स की हैं, इनका निधन हो गया है।
आपसे पूछा जा रहा है वो किसकी पहली महिला मुख्य सचिव रह चुकी हैं। मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी यानी कि ये आईएएस ऑफिसर होंगी और ये सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंची हैं। हाँ, अंकित फौजदार कह रहे हैं कि आपको पता है मैडम, क्या पता है बाबू, ठीक है। तो ये गुजरात की चीफ सेक्रेटरी, फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी रह चुकी हैं गुजरात की, डॉक्टर मंजुला सुब्रमण्यम, और इनका निधन हो गया 74 इयर्स में हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस के कारण। वडोदरा के हॉस्पिटल में इनका निधन हुआ है। 2007 में ये चीफ सेक्रेटरी बनी थी और रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि 60 साल में रिटायरमेंट हो जाता है, तो ये चीफ विजिलेंस कमिश्नर भी रह चुकी हैं गुजरात की। तो बहुत अच्छा इनका करियर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ मिलेट की बात की जा रही है। भारत चाहता है कि हम वापस से पुराने फसलों में जाएं। देखिए, नए फसलें जो हैं बहुत बहुत ज्यादा पानी लेता है, जैसे कि राइस, और पुराने फसलें जैसे कि आपका बाजरा हो गया या रागी हो गया, है ना, या फिर बाड़ले हो गया, तो ज्वार हो गया, तो ये सब क्या करते हैं, ये मिलेट कहलाते हैं। अभी भी आप लोग जो ये सतवानी मतलब जो दही चूड़ा मनाएंगे 14 जनवरी को, उसमें भी अलग अलग प्रकार के चूड़ा खाएंगे, है ना, एक ही चूड़ा नहीं खाते। तो फसल का ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, ये बताया जा रहा है। तो पूछा जा रहा है आपसे, विच ईयर हैज बीन सेलेक्टेड एज इंटरनेशनल मिलेट डे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में गाइस। बिल्कुल, मकर संक्रांति में तुम लोग दही चूड़ा, तिलकुट, लाई सब खाने के लिए तैयार। अच्छा, कौन सा तिल पसंद है आप लोगों को? अगर आप बिहार यूपी साइड होंगे तो आपको पता होगा तिल के लड्डू बनेंगे अभी 14 तारीख को। काला तिल पसंद है कि लाल वो उजला तिल पसंद है आप लोगों को? अपने स्टेट के बारे में, अपने अपने रीजनल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखिए। किसी भी एग्जाम में आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको जानकारी, देखो एग्जाम का क्या मतलब होता है, जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन आता है, यानी आंख नाक मुंह खुला रहे, आंख कान, राइट, तो आसपास क्या हो रहा है पता होना चाहिए। गुड़ वाला पसंद है, काला तिल का, ब्लैक पसंद है, वेस्ट बंगाल में भी बनता है मैम, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए, अभी वेस्ट बंगाल के बारे में औलादीन को पता है काला तिल का पसंद है, उजला तिल का, तो ये आंसर तो सबको पता है ना। 2023 ये साल जो है हम इंटरनेशनल डे ऑफ मोटा अनाज मनाएंगे, मिलेट को मनाया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एम कर रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, पीपल्स मूवमेंट ग्लोबल हब फॉर मिलेट मनाया जाएगा। नेक्स्ट आप देखें, जश्न चिलाई कलान, ये क्या है, ये क्या हो सकता है, किस चीज से रिलेटेड ये न्यूज है? थोड़ा बहुत आप फोटो देख के भी समझने का कोशिश करो, ठीक है। अब थोड़ा बहुत आप लोग फोटो देखिए और समझने का, याद करने का कोशिश कीजिए क्या हो सकता है, राइट गाइस। चलिए, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सीआरपीएफ जो सेंट्रल रिवर्स पुलिस रिजर्व पुलिस फोर्स है, वो जश्न चिल्लाई कलान को मनाया जा रहा है विद द स्टूडेंट्स। तो ये सीआरपीएफ कहाँ के बच्चों के साथ ये मनाया जा रहा है। गन्ने के जूस का खीर पसंद है सृष्टि को, वाह वाह, वेरी गुड, एक्सीलेंट, हाँ जी। तो आप लोगों को भी अपने जगह का, अपने रीजन का कोई ऐसा पिक्यूलियर चीज पसंद है जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो जरूर बताइएगा, है ना। बाकी लोग भी कमेंट पढ़ेंगे, हो सकता है मैं सबका नहीं पढ़ पाऊं कमेंट, लेकिन मैं मतलब आई एम सीइंग एवरीवन्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए श्रीनगर का है, ये फोटो देख के ही लग रहा है, देखिए सबको टोपी लगाया हुआ, ठंडा का कपड़ा पहना हुआ है, बहुत ठंड, इनको बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है, इनको भी बहुत ठंडा लग रहा है, इनको भी बहुत ठंडा लग रहा है, इनको देख के लग रहा है, इंटरेस्टिंग फोटो। तो सीआरपीएफ जो है ये कहाँ के, तो श्रीनगर के लोगों के साथ इसको किया जा रहा है। बनारस की मलाई अच्छा पसंद है आपको, ठीक है, अब हमको भूख लगने लगेगा थोड़ी देर में। तो चिलाई कलान हार्वेस्ट फेस्टिवल है। देखो ज्यादातर अगर तुम अपने देश में देखोगे ना, तो जो भी फेस्टिवल मनाया जाया है, जो भी फेस्टिवल मनाया गया है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल ही है। अब जैसे हम अगर अपने स्टेट का बात करें बिहार का, तो बिहार में क्या है, हम लोग एक चैती छठ मनाते हैं अप्रैल के महीने में, और अभी एक कार्तिक छठ मनाते हैं, राइट, तो ये आपका अक्टूबर नवंबर के महीने में होता है। तो यहाँ पे आप दोनों में एक चीज नोटिस कीजिएगा कि खरीफ क्रॉप को, जो खरीफ क्रॉप है उसको आप कब काटते हैं, खरीफ क्रॉप को कब काटते हैं, अक्टूबर नवंबर के महीने में काटते हैं, है ना। जैसे कि चावल वगैरह जो है ये आपका अक्टूबर नवंबर के महीने में काटते हैं, और अप्रैल में कौन सा क्रॉप काटते हैं, तो रावी क्रॉप को,
जैसे कि आपका हो गया वीट, राइट, तो वीट को ये आप कब इसका हार्वेस्टिंग करते हैं, तो अप्रैल में, तो चैती छठ उस समय मनाया जाता है, और आपका ये जो कार्तिक छठ है वो इस समय मनाया जाता है। तो ज्यादातर फेस्टिवल अभी जैसे लोहड़ी है, वैसाखी है, तो या मकर संक्रांति खुद है, तो ये सब हार्वेस्ट के हिसाब से ही है, क्योंकि हम लोग एग्रीगेरियन लोग हैं। अभी भी अपने देश में 60% 70% ज्यादा लोग जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो क्योंकि हम लोग एग्रीगेरियन लोग हैं तो ऑब्वियसली फसल अच्छा आएगा तभी ना खुशी मनाएंगे, तो इसीलिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आप देखिए इनका फोटो, और इनका फोटो देखते ही जो नया जो अच्छा बच्चा है वो तुरंत तुरंत फोटो देख के आंसर बताएगा। हमको क्या अच्छा है, हमको दलपट्टी बहुत अच्छा लगता है, नेनुआ तुम लोग को पता ही है, एयरफोर्स से रिलेटेड है, यूनिफॉर्म देख के आपको समझ में आ रहा है, दूध वाला पिट्ठी पसंद है निधि चौधरी को, हाँ अभी बनता है, सही बात है, दाल भर के भी बनता है। तो ये सब जानो, अपने अपने देश का, अपने जगह का कुजीन जानो, कल्चर जानो, डांस जानो, ठीक है। चलिए तो हु हैज टेकन ओवर कमांड ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स, तो वेस्टर्न एयर कमांड इंडियन एयरफोर्स का कौन लिए है अभी, देखिए पंकज मोहन सिन्हा इनका नाम है, पंकज मोहन सिन्हा एयर मार्शल है, और एफकैट का फॉर्म भी आज मतलब फॉर्म तो फिलिंग हो ही गया है, रिजल्ट बोल रही हूँ मैं, एग्जाम होने वाला है फरवरी एंड में, याद है ना। तो इंडियन एयरफोर्स वेस्टर्न कमांड के पंकज मोहन सिन्हा है और इन्होंने ये कमांड लिया है। चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे, यहाँ पे आपको स्वीडन और ईयू लिखा हुआ दिख रहा है, 2023 दिख रहा है, स्वीडिश प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन दिख रहा है, यहाँ पे झंडा दिख रहा है यूरोपियन यूनियन का, क्या हो सकता है बात, पूछा जा रहा है विच कंट्री टुक ओवर द प्रेसिडेंसीशिप ऑफ यूरोपियन यूनियन काउंसिल, तो फोटो देख के समझ में आ गया होगा, बोल रहा है मेरा AFSB होने वाला है, बहुत सही। बुक फेयर इन कलकत्ता फेमस फेस्टिवल, इस बार थीम कौन सा कंट्री है पता होगा, स्वीडन में होगा, देखो सब बच्चा फोटो देख के एकदम तेज हो गया है। तो स्वीडन एज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन फॉर फर्स्ट 6 months ऑफ द ईयर ऑन January 1, 2023 सक्सीडिंग चेक रिपब्लिक, ये चेक रिपब्लिक था अब स्वीडन है। अच्छा हाँ, जिसको पढ़ना है FCAT, CDS, CAPF, NDA, अग्निवीर, CRPF, BSF, CISF, ITBP वो डिफेंस का महापैक ले सकते हैं, तो लाइव कोर्सेज, वीडियो कोर्सेज और आपका टेस्ट सीरीज, ईबुक सब मिल जाएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है मेन्यू बता रहे हैं, Y332 कोड है। और गाइज देखो CDS का एग्जामिनेशन आपका 16 अप्रैल को है, बहुत अच्छा तावर तोड़ पढ़ाई हो रही है, और 25, 26, 27 को आपका फरवरी में आपका FCAT का एग्जामिनेशन है, अगस्त में आपका CAPF का एग्जामिनेशन है, NDA का एग्जामिनेशन भी 16 अप्रैल को है, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस, गांधी जी आए थे 9 जनवरी को, सबको पता है 1915 में गांधी जी को कौन से स्टेशन पे ट्रेन से बाहर फेंका गया था वो भी बताइएगा, साउथ अफ्रीका में कौन सा ऐसा स्टेशन था वो बताइएगा प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार, है ना। तो अब पूछा जा रहा है भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता, मतलब यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी पीपल कब मनाया जा रहा है, नहीं पूछ रहे हैं हाउ मेनी पीपल विल बी अवॉर्डेड, कितने लोगों को पुरस्कारित किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है, ये जो आपका भारतीय प्रवासी सम्मान है इससे जल्दी से बताओगे तो 27 लोग मिलेंगे टोटल, टोटल 27 लोग हैं गाइज, जो कि यहाँ पे किया जा रहा है, तुम लोग जो बहुत अच्छा मार दो, 2 जनवरी 2023 को 27 लोगों को, भारतीयों को जो कि देश में नहीं रहते उनको चुना गया है। अब देखिए मोदी जी हैं तो कोई भी न्यूज हो सकता है भाई, तो मोदी जी के बारे में न्यूज क्या है कि इन्होंने इनॉग्रेशन कर दिया है 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस का, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है, कहाँ पे किया है, नागपुर में किया है। ऋतिक, दिलीप, ज्योत्सना, पीयूष, तरुण, बबीता, आर्यन सब कोई आंसर बता रहा है, और बाकी बच्चा जो है चुपचाप कम्बल में इसलिए बैठा है ताकि उसका हाथ बाहर ना निकल जाए, टाइप करते हुए ठंडा ना मार दे, है ना। नागपुर में आंसर है इसका, ये आपका कांग्रेस, इंडियन साइंस कांग्रेस 108वां हो रहा है, मोदी जी इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति है जो कि ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे लगता है रिमोट से,
और यहाँ पे मिनिस्ट्री भी लिखा है, यहाँ ग्रामीण विकास लिखा है, यानी कि रूरल डेवलपमेंट के हो सकते हैं। तो पूछा जा रहा है प्रज्वल, अभी तो तुम फोटो देख के बता ही दोगे। तो विच यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है प्रज्वल चैलेंज, तो ये कौन सा मिनिस्ट्री है? क्लियर बात है रूरल मिनिस्ट्री है। तो लाइवलीहुड, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ऐसे लिखते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ऐसे DAYNRLM दिखेगा ना, तो समझ जाना कि गांव के लोगों को घर तक, मतलब घर देना इसका मकसद है, आइडिया सल्यूशन और एक्शन, ताकि रूरल इकोनॉमी को थोड़ा हम ट्रांसफॉर्म करें, वहां पे भी थोड़ा सा विकास लाएं। विकास तुम्हारे क्लास का लड़का नहीं, डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए, निर्वाचन सदन यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ क्या लिखा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में? 324 में है, याद है ना तुम लोग को। तो देखिए, पूछा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है मिशन 9 to 9। अब ये क्या है 9 to 9? तो मॉल है यार, 9 बजे सुबह से लेकर 9 बजे रात तक रहता है ये मॉल, ठीक है। देखते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो 9 to 9 त्रिपुरा में शुरू किया गया है। इट विल फोकस ऑन 9 to 9 पोलिंग बूथ त्रिपुरा विथ अ टारगेट टू इंक्रीज वोटर। अच्छा, ये जैसे मॉल होता है ना 9 to 9, सुने हो, मेरे तरफ एक मॉल है 9 to 9, तो वहां पे क्या होता है, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मॉल खुला रहता है। उसी तरह पोलिंग बूथ को भी खोल देगा त्रिपुरा में, ताकि यहाँ पे वोटर्स जो है वो ज्यादा बढ़ सके, ज्यादा दर लोग पार्टिसिपेट करेगा, तभी ना फायदा है, तभी एक्चुअली सरकार जो है हम लोग खोज रहे हैं। आप लोग भी अपने अधिकार का पूर्ण उपयोग कीजिएगा, अगर घर में नहीं है वोटर आईडी कार्ड वगैरह, थोड़ा बनवाने का कोशिश करो, थोड़ा सिस्टम को जानो, कैसे बनता है, कौन बनाता है, किसको वोट देना है, MLA को कब वोट देते हैं, MP को कब वोट देते हैं, थोड़ा अगर आप सिस्टम में जाइएगा तो आपको जानकारी बढ़ेगा, और तुम ही लोगों से कोई आदमी जाके आगे नेता बनेगा। तो चाहती है सरकार कि अच्छे लोग आए, है ना। तुम्हारे यहाँ 9 to 11 है, ऐसे दिल्ली में तो 24/7 भी है, जैसे अड्डा 24/7, वैसे मॉल 24/7, ठीक है। वोट वाला दिन तुम छुट्टी मनाते हो, बहुत बढ़िया। पद्मश्री अवॉर्डी है ये RK कृष्ण कुमार जी, इनका निधन हो गया। आप तुमको बताने इनको ये पद्मश्री अवॉर्डी किस कंपनी से रिलेटेड है? रिलायंस, अडानी, टाटा, हीरो, देखिए RK कृष्ण कुमार इनका नाम है, बोल रहा है वोट वाले दिन हम मूवी देखने जाते हैं, उनको मार पड़ेगा। टाटा, ठीक है, टाटा ग्रुप वेटरन है R कृष्ण कुमार, इनका निधन हो गया है 84 ईयर्स में। इन्होंने टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी शुरू किया था, देखो TAS, यानी कि जो इसको क्वालिफाई करेगा ना, वो समझ लीजिए कि टाटा का आपको पता है कि बहुत लंबा चौड़ा एक्सपेंशन है, उस एरिया का, उस जगह का टाटा के वो ऑलमोस्ट IAS इक्विवेलेंट रहेगा, यानी कि टाटा में काम करने वाले हर एम्प्लॉय के लिए वो IAS है। तो इन्होंने 1963 में शुरू किया एंड जॉइन टाटा ग्लोबल बेवरेजेस का मतलब क्या है, जैसे तुम लोग ये जो कोल्ड ड्रिंक और ये सब पीते हो, तो ये कॉफी ये सब जो पीते हो, तो ये बेवरेजेस में आ जाते हैं। उस समय ये टाटा फिनले के नाम से जाना जाता था, साथ ही साथ टाटा ग्लोबल बेवरेजेस जो है उसको अब हम लोग क्या बोलते हैं, टाटा टी बोलते हैं। सब कोई पिए होंगे रेड लेबल, ग्रीन लेबल टी का बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हैज बिकम द VP ऑफ साउथ इंडिया प्लांटेशन इन 1982। तो ये RK कृष्ण कुमार है, 84 ईयर्स के, इनका निधन हो गया है। अब देखिए, ये राहुल द्रविड़ रोहित शर्मा को समझा रहा है, ऐसे राहुल द्रविड़ इज एन एक्सेलेंट प्लेयर, लेकिन कोच जो है थोड़ा गड़बड़ा गए हैं। तो देखते हैं क्या सवाल है। तुमको साइंस मिस्त्री जी का याद आ रहा है, ठीक है, हम लोग की तरफ से उनको नमन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हु हैज री इंट्रोड्यूस द यो-यो टेस्ट फॉर द सिलेक्शन ऑफ इंडियन नेशनल टीम। अब यो-यो टेस्ट क्या है, व्हाट इज दिस यो-यो टेस्ट? ठीक है, BCCI, हाँ ठीक है, राहुल द्रविड़ इज माई फेवरेट प्लेयर, यार तुम टेंशन मत लो, बोल रहे नहीं मैम अच्छे कोच भी हैं, ही हैज बीन माई अल्टीमेट टाइम फेवरेट प्लेयर, यस। तो ये BCCI जो है, देखिए ज्ञान की बरसात होने लगी, जैसे क्रिकेट और फिल्म जगत से सिनेमा आता है, सबको ये समझाने लगता है, देखिए मैम
यो-यो टेस्ट जो है वो एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट है। अच्छा जी, तो इन्होंने प्लेयर के फिटनेस को इंक्रीज करने के लिए अब ODI वर्ल्ड कप के लिए 2023 में होने वाला है ना, तो ये रीइंट्रोड्यूस करे यो-यो टेस्ट, ताकि ये क्राइटेरिया है सिलेक्शन का इंडियन नेशनल टीम में। तो बहुत टफ होता है यो-यो टेस्ट, और ये बोन स्कैन टेस्ट होता है डेक्सा जिसको कहते हैं, और अब ये पार्ट हो जाएगा सिलेक्शन क्राइटेरिया का, यही समझाया जा रहा है यहाँ पे इनको इनके द्वारा, कि देखो अच्छे से टेस्ट में पास करना, डेक्सा लेने वाला है यो-यो टेस्ट। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक फोटो है और यहाँ पे लिखा है काकी माधव राव IAS ब्रैकेट में रिटायर्ड लिखा है, ब्रेकिंग बैरियर्स लिखा है, द स्टोरी ऑफ अ दलित चीफ सेक्रेटरी। अभी चीफ सेक्रेटरी है तो ठीक है, इसमें दलित लगाने का क्या जरूरत था। खैर देखते हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक नया किताब टाइटल किया गया है ब्रेकिंग बैरियर्स, ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ अ दलित चीफ सेक्रेटरी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया तुम्हारे लिए, अभी तुम फोटो देखे हो तुरंत बता दोगे। बोल रहे रोहित शर्मा पास हो जाएगा यो-यो टेस्ट, तुम ही एक स्टूडेंट जो है वो सारी ही फनी चीज का सीमा क्रॉस करके लिखे हैं यो-यो हनी सिंह, बहुत अच्छा, यही उम्मीद था हमको तुमसे, वेरी गुड। तो काकी माधव राव है, काकी माधव राव जो है वो इन्होंने ये किताब लिखा है, फॉर्मर IAS ऑफिसर है, ब्रेकिंग बैरियर्स इन्होंने लिखा है, द स्टोरी ऑफ अ दलित चीफ सेक्रेटरी, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं DRDO है, 1 जनवरी को हम लोग DRDO का एस्टेब्लिशमेंट डे भी मनाते हैं। ठीक है, तो DRDO का 60, अभी हम बता ही दिए 1 जनवरी को 65th फाउंडेशन डे, तो इससे तुम बताओ कि इस बार हम लोग 65वां मनाए हैं इस साल, है ना, 1 जनवरी को मनाते हैं, चलो इतना तो हम बता दिए, कितनावा मनाए हैं, कितना साल हो गया ये बताइएगा आप लोग, यानी कि DRDO किस साल फाउंड हुआ होगा, ये एकदम हिसाब किताब लगा लो तो जल्दी से। मैथ्स का भी होने वाला ना एग्जाम, हर एग्जाम हर चीज में, ठीक है, एक बच्चा लगाया हिसाब किताब, बताओ जल्दी कौन सा ईयर है गाइस, क्या ऐसे काम नहीं चलेगा, 1 जनवरी 2003 65, तो कौन सा वा होगा, किस साल बना होगा DRDO, हिसाब किताब में गड़बड़ी हो रहा है, 1958 कोई कह रहा है, 1957 कोई कह रहा है, कोई बच्चा 1959 भी कह रहा है, 1956 भी कह रहा है, ये ऑप्शन दिया जा रहा है, जल्दी से बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, हमको तो लग रहा है कि 57 वाला गड़बड़ बता रहा है। वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, अब तुम लोग किस टाइप के हो, कोई लोग जो है एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं कि बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं, जैसे हम, ऐसे हम रियल लाइफ में नहीं करते हैं, यहाँ पे करते हैं, और कोई लोग होते हैं जो थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, ज्यादा उनको बातचीत करना नहीं पसंद है, उनसे कुछ भी बात उगलवाना, एक बार हम मिले एक दो लोग से तो इतना पूछे कि फेवरेट हीरो कौन है, तो उसमें भी नहीं, मतलब लगा कि नहीं बताना है, तो इंट्रोवर्ट लोग कभी कभी लोग रूड भी समझ जाते हैं। आप लोग अपने पर्सनालिटी को बैलेंस रखिएगा, मेरी तरह एक्स्ट्रोवर्ट नहीं होइएगा, और एकदम इंट्रोवर्ट ऐसे नहीं कि ऐसे जैसे डिब्बा में घुस गया वैसे भी नहीं, ठीक है, तो इंट्रोवर्ट के लिए भी दिवस होता है, हमें शर्म आती है, मैं इंट्रो, हमको पता है पेड क्लास में हम देख चुके हैं, हम क्वेश्चन पूछने के लिए भी बोलते हैं, डाउट पूछने के लिए भी बोलते हैं, तो भी तुम लोग नहीं बताते हो। तो वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे भी मनाया जाता है उन लोग के लिए जिनको बोलने में कष्ट है, तो 2 जनवरी 2011 से शुरू किया गया था, कि चलो तुम लोग को भी हम लोग, साइकोलॉजिस्ट एंड ऑथर फेलिसिटस हेन ने बोला था कि चलो इस दिवस को मनाया जाता है। ओके, तो ये वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। अब देखिए वर्ल्ड ब्रेली डे भी होता है, ब्रेली डे होता है कि जिनको नहीं दिखता है उनके लिए एक दिवस है, ताकि वो डॉट डॉट 6 डॉट से एक वर्ड बनता है और वो टच करके उसको बता देंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, हेलेन केलर का नाम आपने सुना होगा, हेलेन केलर है ना, इनके बारे में, ये ब्लैक मूवी जो बनी थी अमिताभ बच्चन रानी मुखर्जी की, तुम लोग देखे ही होगे। तो ये 4 जनवरी को होता है 2019 में, और लुइस ब्रेली जो है इन्होंने मतलब इन्वेंट किए थे ये ब्रेली स्क्रिप्ट, ताकि विजुअली डिसेबल लोग जो हैं वो आराम से पढ़ सके। देखिए उनको भी पढ़ने के लिए इन्होंने यहाँ पे ये डिस्कवरी की थी, बहुत बड़ी बात है, वो भी ये देखिए कब बॉर्न है, 4 जनवरी 1809 को ये बॉर्न हुए साउथ फ्रांस में, और इन्होंने ये ब्लाइंड पीपल के लिए बनाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, सचिन की तरह क्लासेस आंसर देना मैडम जी,
ठीक है जल्दी, बट हाँ सचिन जो बहुत अच्छा सा आंसर दे रहा है। देखिए बहुत सारे बच्चे हैं एक्चुअली, पहले एक दो बच्चा आंसर देता था, लेकिन अब हमको ये देखने को मिला है कि बहुत सारा बच्चा जो है आंसर मतलब रेगुलर बेसिस पे सही सही दे रहा है। ये अच्छी बात है, कॉम्पिटिशन क्लास में ना अच्छे लेवल का होना चाहिए, तब आप और इम्प्रूव करेंगे। देखिए अब पूछा जा रहा है, साड़ी महोत्सव विरासत का दूसरा चरण किस शहर में शुरू हुआ है? आप लोगों को भी जॉब लगेगा तो घर में साड़ी दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, वाई गर्लफ्रेंड को नहीं मम्मी को दोगे यार, कम ऑन गाइज। सेकेंड फेज ऑफ साड़ी फेस्टिवल विरासत सेलिब्रेटिंग 75 हैंड वुमेन हैंड वोवेन यानी कि हाथ से बना हुआ साड़ीज ऑफ इंडिया, 75 साड़ी जो हाथ से बनाया जाता है, बहुत सारा हमारे देश में कलागिरी है। और ये जो ब्रिटिशर्स आए थे वो सबसे खराब काम यही किए थे कि हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था ना उसको एकदम डिमोलिश कर दिया। ठीक है, तो ये 3 तारीख से लेकर 17 जनवरी को दिल्ली में मनाया जाएगा, और विरासत हमारे देश का जो विरासत है इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल मना रहा है। हमको भी देंगे, ठीक है हमको भी दे दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे सीडीएस के लिए यार बैचेस शुरू हो गए, 3 जनवरी को पढ़ाई शुरू कर दो, एकदम टाइम नहीं है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया है संविधान उद्यान का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां पे किया है, कहां पे किया गया है? तुम अभी बता रहे हैं कि मेरा फेवरेट मूवी एमएस धोनी है, इस बात का कोई तुक है? अभी क्लास में ऑफलाइन क्लास होता तो तुम लोग तो एकदम माथा मेरा खराब कर देते, चंदेरी साड़ी दोगे। ठीक है चंदेरी साड़ी दे दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आईआरटी भी करंट अफेयर्स है, लोड मत लो। तो देखिए यहाँ पे जयपुर में है, जोधपुर में, बिल्कुल जो बता रहे हैं आंसर गलत है। द्रौपदी मुर्मू जी ने संविधान उद्यान कॉन्स्टिट्यूशन गार्डन, संविधान के बारे में आपको पता है ना कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल 395 नंबर के हिसाब से, और पार्ट जो है नंबर के हिसाब से 22 है, टोटल पार्ट 25 है, राइट? ये सब बातें आपको पता ही है, राइट गाइस? यस। तो यहाँ पे आप देखेंगे जयपुर राजस्थान में ये है, ये क्या है बेसिकली, तो इसमें सोलर एनर्जी जोन है ये राजस्थान का, और ये संविधान उद्यान बनाया गया है द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। द्रौपदी मुर्मू जी ने और भी इनॉग्रेशन किया है, 18वां नेशनल जैमोरी जो है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, जल्दी से बताओगे? तो ये राजस्थान में किया गया है, ठीक है, रोहात इन द पाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ये गाइड जैमोरी को किया गया है यहाँ पे उद्घाटन। प्रोग्रेस विथ पीस इसका थीम है, क्या है? तो बेसिकली देखो एक नेशनल स्कॉट है, स्कॉट आप लोग स्कूल में किए होंगे ना, स्कॉट बने होंगे या बाद में एनसीसी का ट्रेनिंग लिए होंगे, एंड गाइड जैमोरी प्रोग्रेस विथ पीस, तो इसको उद्घाटन किया गया है। 7 दिन का ये इवेंट होता है, राजस्थान इसको होस्ट करेगा, 66 ईयर्स इसमें राजस्थान में होने वाला है, हर बार कहीं कहीं अलग होता है। 35,000 स्कॉट्स और गाइड्स को यहाँ पर कंट्री में पार्टिसिपेट करेगा इस इवेंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे, विच स्टेट, कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि पहला स्टेट बना है, फर्स्ट स्टेट टू हैव अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर विंटेज व्हीकल्स। तो अगर बहुत ही पुराने जमाने का विंटेज प्रकार का आपके पास व्हीकल है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। तो ये रजिस्ट्रेशन जो है ये कहाँ पे होगा, ये ओडिशा में होगा, ठीक है। तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन, अगर विंटेज व्हीकल है पुराने जमाने का बहुत ही क्लासी टाइप का, तो वहां के स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है उसका अलग से रजिस्ट्रेशन करेंगे। वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 ये किसको हैज वन बाय, तो कौन जीता है वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड, यानी कि यहाँ पे जीव जंतु अच्छे से रहते हैं, ये ओडिशा जीता है। जागा यानी कि ओडिशा लाइवलीहुड हैबिटेट मिशन यहाँ पे जीत चुका है यूनाइटेड नेशन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023, ठीक है। तो इनको ब्रॉन्ज अवार्ड दिया गया था। विच स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 5 kg फ्री राइस पर मंथ फॉर 1 ईयर, तो कौन सा स्टेट है जो कि 5 kg चावल देगा, धान जिसको कहते हैं, चावल देगा लोगों को 1 साल तक फ्री में, हर महीने 5 kg। तुम्हारे घर में चावल का कितना खपत होता है, ये सबका भी आइडिया होना चाहिए। अंदाजा जो बोलते हैं ना, अंदाजा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों? क्योंकि कभी कभी एग्जाम में भी पूछा जाता है, मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट है
तो वो 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है या 5000 करोड़ का, तो तुमको लिख देगा 5 लाख का। अब तुम बोलोगे मैम पता है इतना टफ क्वेश्चन था कि पूछ रहा था कि कितने का प्रोजेक्ट है। भाई तुमसे नहीं पूछ रहा है कितने का प्रोजेक्ट है, तुम चेक कर रहे कि तुमको अंदाजा है कि नहीं कि 500 का हो सकता है, कि 5 लाख का हो सकता है, कि 5 करोड़ का हो सकता है। ठीक है, तो होना चाहिए आइडिया इसका। तो यहाँ पे ओडिशा है, बोल रहा है कि 1 क्विंटल 1 साल में। ठीक है, तो ये ओडिशा नवीन पटनायक जी जो है फ्री में 4 kg राइस देंगे पर मंथ लोगों को, ताकि स्टेट में फूड सिक्योरिटी बढ़ सके। देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन से ना हम सफिशिएंट बने, ठीक है, लेकिन हम सिक्योर नहीं बने। इस दोनों वर्ड में बहुत अंतर है, सुनिएगा जरा सा, थोड़ा सा आपका 1 सेकेंड टाइम लेंगे। मान लो तुमको 1 kg का जरूरत है और तुम 1 kg का उत्पादन कर दिए, लेकिन जिसको जरूरत है वहां तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, फूड इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसमें बहुत सारा स्टेजेस है, तो अगर मंडी में ही रह गया या फिर कोई कोल्ड स्टोरेज में ही रह गया। लेकिन मेन मकसद क्या है, क्यों ग्रीन रिवॉल्यूशन आया 1970s में, क्यों नॉर्मन बोरलॉग कोशिश किए, क्यों MS स्वामीनाथन जो है अपने देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाए, ताकि अपने देश में जो भुखमरी है उसको खत्म किया जा सके। भुखमरी नहीं खत्म हुई, कैसे, तो इंडिया को मान लो अगर 500 केजी की जरूरत है तो इंडिया बना रहा है 600 केजी, लेकिन भाई अमीरों को मिल गया, सबको मिल गया, लेकिन जिस गरीब तबके को जरूरत है उसको नहीं मिला। तो फूड सिक्योरिटी अलग चीज है। तो यहाँ पे नवीन पटनायक इसीलिए 5 kg फ्री में देंगे। चले, नलिन नेगी को अपॉइंट किया गया है CEO, कहाँ कौन से कंपनी का, फोन पे, पेटीएम, रेजर पे या भारत पे, जल्दी से बताओ। ऐसा होता है ना, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये देखिए भारत पे, ये नलिन नेगी को भारत पे का बनाया गया है। कल हम शार्क टैंक देख रहे थे, हमको बहुत ज्यादा अश्विनी ग्रोवर का याद आने लगा। चले, तो नलिन नेगी जो है ये इंटरिम CEO बने हैं उस समय तक के लिए, और ऐसे ही ऑलरेडी CFO हैं, है ना। तो ये शोएल समीर को रिप्लेस किए हैं। गान नगाई फेस्टिवल हो रहा है, किस स्टेट में हो रहा है गान नगाई फेस्टिवल, तो ये मणिपुर में हो रहा है। ठीक है, मणिपुर के जलांग रोंग कम्युनिटी मणिपुर में गान नगाई कर रहे हैं। ऐसे मिकीर भी एक ट्राइब है, मिकीर जो है ये कहाँ है, असम में है। मिश्मी ट्राइब कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, ये सब पता होना चाहिए। एबोर कहाँ पे है, ये सब पहाड़ का भी नाम है, एबोर भी अरुणाचल प्रदेश में। दफला कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये सब पता होना चाहिए। गारो खासी जानते हैं तो सुने ही होंगे, नागा सुने ही होंगे, है ना, तो ये सब चीजें थोड़ा बहुत जानिए। फिर देखिए, नोटेड रविंद्र संगीत एक्सपोनेंट सुमित्रा सेन जी का निधन हो गया 89 ईयर्स में। तो आप बताओगे ये कहाँ से है, ये किस स्टेट के हैं। हाँ, दफला का नाम बदल रहा है, तो ये कहाँ पे है, ये वेस्ट बंगाल की है, है ना, वेस्ट बंगाल की है, सुमित्रा सेन है। रविंद्र संगीत, क्या आपको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने करीबन 2200 गानों का, 2200 मतलब संगीतों का एक कंपाइलेशन बनाया था, उसी को रविंद्र संगीत कहते हैं। तो ये एक्सपोनेंट रह चुकी है, इन्होंने सीखा है, 89 ईयर्स की है, इनका निधन हो गया है। जो खान पोड़बे ना मोर सौखी बॉन्बे खारे बोल, ठीक है, तो ये सब है, या मोने की द्विधा, तो ये सब चीजें लिखी गई है। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था बांग्लार माटी बांग्लार पानी, ठीक है, इसका मतलब बांग्लार जाल बोलते हैं, ठीक है, तो जाल यानी कि जो मिट्टी है वो बंगाल के लोगों का है, बंगाल के लोगों का है, जो पानी है वो बंगाल के लोगों का है। तो कैसे आप 1905 में बंगाल का विभाजन कर सकते हैं, तो अब बताओ कि एनोलमेंट इस विभाजन का, यानी कि इस विभाजन को रद्द किया गया था, ये रद्द कब किया गया था विभाजन को, ये आप बताइएगा। ठीक है, चलिए, और न्यू बुक टाइटल अंबेडकर अ लाइफ ये बताइए। अमार सुनार बांग्ला तो लिखा ही गया है, सही बात है, जनगण मन भी लिखा गया है। हाँ, इसका आंसर नहीं बताया यार, 1911 में, ठीक है, बंगाल का विभाजन हुआ, लेकिन 1911 में विभाजन को रद्द भी कर दिया गया था। और किताब किसने लिखा है, शशि थरूर ने लिखा है, अंबेडकर अ लाइफ पढ़ा जा सकता है, लेकिन अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी हो और आपके घर में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हो तो ही इस किताब को पढ़े।
तो यहाँ पे प्रभा खैतान फाउंडेशन ने इस किताब को अभी अभी ऑर्गेनाइज किया है और ये आईटीसी सोनार प्रेजेंट्स बाय श्री सीमेंट लग रहा है हम प्रचार कर रहे हैं इसका. Which state government has signed a memorandum of understanding worth 18,590 crore? सारा शौक हम यही पूरा करेंगे अपना. UAE based company, ठीक है. किस राज्य सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात स्थित कंपनियों के साथ 18,590 crore रुपए का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंसर क्या होगा? बोला हिंदी में बोलिए इसी तरह से. सारा तुम लोग भी अपना सारा शौक यही पूरा करो. वो हो रहा है ना यहाँ पे जो अपने प्रिय गाने बजाइए. चलिए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 6 कंपनी के साथ जो कि यूएई का कंपनी है और ये जो है 18,590 crore का है ताकि ग्लोबल इन्वेस्टर आ सके यहाँ पे और लखनऊ में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो सके, नए नए नौकरियों को पैदा किया जा सके कम से कम 20,000. चलिए नेक्स्ट सवाल है, बंधन बैंक द्वारा जहां बंधन वहां ट्रस्ट. सही बात है, जैसे हम लोग का भी है बंधन, तुम रोज सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आ जाते हो और ट्रस्ट भी है तुमको, ट्रस्ट को बिल्कुल पूरा किया जाएगा. तो बंधन बैंक जहां ट्रस्ट, जहां बंधन वहां ट्रस्ट कैंपेन शुरू किया गया है सौरभ गांगुली द्वारा, ठीक है. ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इनको सौरभ गांगुली को. क्रिकेटर है इंडिया के, आपको दादा को बनाया गया पता ही है तुमको, तो इनको यहाँ पे रखा गया है, ठीक है. Who has become the next speaker? Speaker यानी कि MLA जो हैं, वो कहाँ बैठते हैं? Legislative Assembly में बैठते हैं, वहां के जो चेयर पे बैठते हैं उनको हम स्पीकर कहते हैं. कुलदीप सिंह पठानिया को बनाया गया है नेक्स्ट स्पीकर हिमाचल प्रदेश का. नेक्स्ट सवाल है कि केंद्र सरकार ने प्रारंभिक परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन में कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव कि तुम बनाओ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कितना पैसा से? तो 19,744 रुपए से. 19,000 रुपए नहीं, करोड़ रुपए से, ठीक है. तो देखिए कोई भी ग्रीन टाइप के मिशन में करीबन 20,000 करोड़ रुपए तक लगता है. एग्जाम में तुमसे बोल देगा कि 2 लाख करोड़ रुपए लगा या 2 करोड़ का मिशन है, तो तुम बोल देना वो स्टेटमेंट गलत है, सिंपल, ठीक है. तो नेशनल हाइड्रोजन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी यहाँ पे है, प्रधानमंत्री मोदी जी ही हेड बनेंगे, ऑब्वियस बात है. नेक्स्ट आप देखेंगे, यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव 382 मेगावाट सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. तो यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है इसको. अब जल्दी से बताओगे कि ये कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में. 382 मेगावाट सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेट ओन्ड है, हिमाचल प्रदेश का, इसको अप्रूव किया गया है. नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट सवाल, थोड़ा सा एक सेट और बना लेते गाइस. टाइम बच्चा सुबह 8 बजे है, ऐसे इतना टेंशन में पूछ रहा है, टाइम बता दीजिए मैडम प्लीज. नहीं, 8 बजे है, एकदम ओपन क्लास मंदिर की तरह, सब कोई आओ और पढ़ो, लेकिन एकदम खुश होके पढ़ो. देखो हम खुश होके पढ़ाते हैं, तुम लोग भी खुश होके पढ़ो, एकदम लोड मत लो. लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है भूल जाओ, आराम से 1 घंटा मन लगा के पढ़ो. देखिए पूछा जा रहा है, विच इंडियन बैंक हैज बिकम द फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंक. पूरा डिजिटल हो गया ये, ठीक है. तो ये केरला में है, केरला में स्टेट है, स्टेट यहाँ पे कौन सा स्टेट में बैंकिंग फैसिलिटी फुल्ली डिजिटल है. तो सीएम पिनाराई विजयन पूरी तरह से डिजिटल हो गया है केरला. प्रधानमंत्री मोदी नेशनल अप्रेंटिसशिप मिशन, प्रधानमंत्री मोदी पीएम नैन अप्रेंटिसशिप मिशन, यानी कि अगर आपको सीखना है ना, शिक्षुतता करना है, यानी कि सीखना है, अप्रेंटिसशिप करना है, तो 242 डिस्ट्रिक्ट में देश भर में खोला गया है. अगला सवाल है कि पहला ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन. तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बोले तो, यानी कि 20 लोग है भाई और 19 के पास पैसा है, तो 200 के पास पैसा होना चाहिए, फाइनेंस जो है सब में बटना चाहिए. तो उसकी G20 की मीटिंग हो रही है, लोग खाली मीटिंग करेगा काम नहीं करेगा, कोलकाता में मीटिंग हो रही है G20 के बारे में, आप लोग भतेड़े बार सुन चुके हैं हमसे, है ना. इंडियाज फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन, गैसिफिकेशन बेस तलचर जगह है इसको. देखो इंडिया का मिनरल मैप एक बार अच्छे से बना लोगे ना, मैपिंग कर लोगे ना, तो ये सब चीज जो है, जैसे तलचर हो गया, कोलार गोल्डफील्ड पता ही होगा तुम लोगों को, हमसे ज्यादा ही पता होगा, तो ये सब चीजें जो है तुमको कभी कंफ्यूजन नहीं देगा, ठीक है.
तलचर कहाँ है? उड़ीसा में है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि गोल गैसिफिकेशन का यहाँ पे बेस तलचर फर्टिलाइजर प्लांट बना है, कहाँ? उड़ीसा में। बहुत बढ़िया, पहली बार 17-18 सालों में। अच्छा, कोई आ रहा है तुम्हारे ख्यालों में? बहुत बढ़िया। Who has, एक दो बच्चा है क्लास में जो थोड़ा सा कॉमेडी मूड में रहता है, पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो देखिए, who has received, कौन सा अवार्ड? इसका अवार्ड का नाम है पतंग राव कदम अवार्ड मिला है इनको, ताकि ये COVID-19 के समय बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन किए फाइट करके। अद्यार पूनावाला मिलना चाहिए, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो, उसके CEO अद्यार पूनावाला ने बहुत सारा वैक्सीन बना के सिर्फ देश में नहीं बाहर भी लोगों को, तालचार बोलते हैं ठीक है, वैक्सीन दिया है। तो एक बच्चा है जो कि ओडिशा का है, वो बोले तलचर नहीं होता है, तालचर होता है, तालचर। ठीक है, आप तालचर के हैं तो अब हम तालचर बोलेंगे। अब नेक्स्ट आप देखेंगे, व्हाट्स द नेम ऑफ फर्स्ट कश्मीरी ज्ञानपीठ अवॉर्डी हु डाइड रिसेंटली। ज्ञानपीठ अवॉर्डी दिया, मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया था, कश्मीर के थे। इनका नाम है प्रोफेसर रहमान राही इनका नाम है। बहुत ही प्रख्यात पोएट है, और पहला ज्ञानपीठ अवार्ड इनको मिला था जो कि कश्मीर के हैं। कश्मीर से पहली बार किसी को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। 98 इयर्स के थे, 2003 में इनका निधन हो गया है। ठंडा के टाइम में हम देखते हैं कि ऑर्बिचुअरी ज्यादा पढ़ाना पड़ता है, मतलब ज्यादा लोगों का निधन होता है। 15th एडिशन ऑफ जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, तो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 15वां एडिशन हो रहा है। अपर्णा सेन यहाँ पे वेटरन डायरेक्टर और एक्टर हैं। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है ओपन सेरेमनी में, 15th एडिशन जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की। इन्होंने अपना डेब्यू किया थे तीन कन्या के नाम से, जो कि सत्यजीत रे, 1961 में इन्होंने ये बनाया था। 1961 में ही आपका ऑपरेशन विजय भी शुरू हुआ था, और आप बताइए कि ऑपरेशन विजय से एक हमारे देश में एक स्टेट को लिबरेशन मिला था, लिबरेट किया गया था। कौन सा वो स्टेट है जल्दी से बताओ? गोवा आंसर है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। हॉकी वाली सरपंच हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच बैंक टू स्टार्ट द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। हॉकी वाली सरपंच जल्दी से बताइएगा। देखे हो तीन कन्या, सब मूवी बच्चा देख चुका है, बहुत बढ़िया। तो ये नबार्ड द्वारा किया गया है, ठीक है। नीरू यादव, who is foundly known as हॉकी वाली सरपंच, ने नबार्ड के साथ एग्रीमेंट साइन किया है ताकि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, देखो फार्मर ये ऑर्गेनाइजेशन बन गया। मान लीजिए एक किसान है, दो किसान है, तीन किसान है, चार किसान है, उन लोगों को नहीं पता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार उनके लिए क्या कर रही है, तो क्यों ना एक संगठन बने, एक ऑर्गेनाइजेशन बने, ताकि सबको पता चल सके। हर फायदे के बारे में अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला स्टेप होता है, ठीक है। तो सोसाइटी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है ये, और ये राजस्थान में ये इनिशिएटिव लिया गया है। चीफ मिनिस्टर डेयरी नंबर वन, ठीक है, बीवी नंबर वन सुने, हीरो नंबर वन, कुली नंबर वन, डेयरी नंबर वन, ये किताब लिखी गई है रंजन गोगोई द्वारा, है ना। रंजन गोगोई जो कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं। किताब इन्होंने लिखा है चीफ मिनिस्टर्स डेयरी नंबर वन, है ना। और ये किताब जो है वो असम को देखकर लिखा गया है, वहां पे डॉक्टर हिमंता विश्वास शर्मा को देखकर लिखा गया है। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप लोग। द ट्रेडिशनल फेस्टिवल चेड़चेड़ा फेस्टिवल है ये, कहाँ पे मनाया जाता है चेड़चेड़ा फेस्टिवल जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल, रविन्द्रनाथ टैगोर की ने शॉर्ट स्टोरीज, उपासना तुम क्लास में पीछे चल रही हो, आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ पे देखिएगा, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में CM भूपेश बहगल ने चेड़चेड़ा फेस्टिवल एट दुधारी मठ रायपुर में इसको मनाया गया है। और ये जो है अभी पूछ का मेला चल रहा है। पूछ में जो है शादी ब्याह नहीं होता है, मतलब ऐसे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग 14 जनवरी के बाद ही होता है। अब आप देखेंगे, यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला ने इनॉग्रेट किया है 29 मोबाइल वेटरनरी यूनिट।
तो 29 मोबाइल वेटरनरी यूनिट ये जो है केरला में किया गया है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर आपके गाय भैंस कुत्ता बिल्ली किसी को भी दिक्कत है तो आप ये मोबाइल यूनिट्स में जाके, वेटरनरी मतलब वही होता है जानवरों का डॉक्टर, तो वहां पे जाके इसको ठीक करा सकते हैं। लाइफ स्टॉक के लिए किया गया है, तो खाली कुत्ता बिल्ली नहीं पालो, गाय भैंस भी पालो। गाय का सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य होता है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ऑफिस NSO ये क्या करता है अपने देश में, जहां पे भी डेटा वगैरह को कलेक्ट करता है। तो इंडिया का इकोनॉमी बढ़ेगा कि घटेगा, बहुत लोग बोल रहा है बढ़ेगा घटेगा, तो देखो हम पूरा लिस्ट ही बना दिया, हम भी परेशान हो चुके थे। ये लिस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। हम अपना मुंडी हटा लेते हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वर्ल्ड बैंक का है, मूडी का है, S&P का है, IMF का है, ADB का है, RBI का है, इंडिया रेटिंग, फिक्की का है, इस सब का है, NSO का भी लिखा हुआ है, 7% है, ठीक है। हाँ ठीक है, हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तुम बहुत अच्छा से पढ़ो और जल्दी से नौकरी लो, मैं नाम रोशन कर देता हूँ। मेरे नाम का मतलब ही यश होता है, तो आप हमको यश की प्राप्ति करा दीजिए। चलिए, तो हु हैज बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, तो वहां पे हमारे देश में जैसे लोकसभा है वैसे वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उसके स्पीकर बने हैं केविन मैकार्थी, केविन मैकार्थी, ठीक है। तो ये US हाउस ऑफ प्रेसिडेंट बने हैं। एक बच्चा बोल रहा था कि IR का क्वेश्चन देख लो, IR का क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल है कि विच इंडियन एथलीट हैज वन U15 ब्रिटिश ओपन स्क्वाश, स्क्वाश यानी कि दीवार के साथ लॉन टेनिस खेलना, ठीक है। तो ये इंडियन एथलीट का नाम है अनहात सिंह, और बहुत बच्चा बहुत अच्छा ये खेलती है, ठीक है, U15 15 साल से भी छोटी है, और एकदम ये रिनाउंड ब्रिटिश जूनियर ओपन बर्मिंगम में जीत चुकी है एकदम, और अभी ये जो मैचेस हुए थे इसमें भी बहुत फेमस हुई थी, है ना, ओलंपिक्स वगैरह में। तो अब आप देखेंगे नेक्स्ट है, फॉर हाउ मेनी छूट गया यहाँ पे, RBI जो है ग्रीन बॉन्ड लाएगा। ग्रीन बॉन्ड यानी कि तुम ये बॉन्ड खरीदोगे ना तो तुम्हारा पैसा इधर उधर नहीं जाएगा, तुम्हारा पैसा जो है वो देश में मतलब ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए जाएगा। तो 16,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे सोवरेन ग्रीन बॉन्ड RBI ने शुरू किया है। पतंग उत्सव मनाया जा रहा है 2023 में, काइट फेस्टिवल जल्दी से बताइए गुजरात में मनाया जाता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, है ना, इतना तुम लोग गाना उना सुने हो सब, ए मेरी पतंग इधर उधर, तो वही गुजरात में है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इस बार गुजरात टूरिज्म का थीम है जो कि G20 का भी थीम है। एक दिन तो गुजारो गुजरात में, अमिताभ बच्चन भी कहते हैं, सही बात है। प्रेसिडेंट मुर्मू ने इनॉग्रेट किया है SJVN 1000 मेगावाट का बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो ये कहाँ पे किया गया है, राजस्थान में किया गया है, है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। देखिए आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है, हमको भी अच्छा लग रहा है, लेकिन 9 बजे जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं वो हमको बहुत डांटेंगे क्योंकि 9 बजे जो है उनका पेड क्लास है, तो हम लोग चलते हैं पेड क्लास में। अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि हमको भी पढ़ना है पेड क्लास में, तो बहुत आसान सा तरीका है पेड क्लास में पढ़ने का, क्या करना है, गूगल में जाना है और adda247.com पे क्लिक करना है। आप हमसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो भी चीज पढ़ना चाहते हैं आप आराम से गेट इंजीनियरिंग सेक्शन में आइए। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, SSC, JEE, JK, SSB, JEE, RRB सारे एग्जाम्स यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे सस्ता कोर्स भी हम बच्चों को बता देते हैं, देखो RRB में जाओगे ना, ये LP पे क्लिक करोगे तो नॉन टेक का पूरा सबसे ये सस्ता कोर्स है, ठीक है, RRB, LP, इसमें रीजनिंग, साइंस, GK, मैथ्स, जितना भी नॉन टेक का पोर्शन होता है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। कोड आप यूज कर सकते हैं Y332, तो ये 2399 में नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपको ये 551 रुपीज में मिल जाएगा। तो मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो सबसे अफोर्डेबल कोर्स मतलब कोर्स है वो ये है। इसके अलावा आप और एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट कोर्स कौन सा है वो भी हम बता देते हैं। तो आपने डिप्लोमा या बीटेक किया हो सिविल मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल में किया है, 6 महीने के लिए आप हमसे और बाकी टेक और नॉन टेक फैकल्टी से पढ़ना चाहते हैं तो ये नीचे कर जा रहा है, तो 6 महीने पे क्लिक कीजिए, है ना, बाय नाउ पे क्लिक कीजिए, कोड आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं Y332 मेरा कोड है, इसको आप इस्तेमाल कीजिए। 3104 रुपीज में 6 महीने के लिए एकदम आराम से जितना भी आपके पास जितना भी मटेरियल है
जो भी किताब, ई बुक, टेस्ट सीरीज, लाइव कोर्सेज, वीडियो क्लासेस सब आपको मिल जाएगा, क्योंकि महापैक में सब कुछ रहता है। आने वाले जितने भी अन्य एग्जाम है और जो चालू एग्जाम्स हैं उन सब के कोर्सेज आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसी प्रकार से डिफेंस के जो बच्चे हैं, CDS, CRPF, FCAT, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, मान लो CRPF की तैयारी कर रहे हो, अभी तो इसका वैकेंसी भी आ गया है, तो CRPF में हेड कांस्टेबल और ASI का वैकेंसी है। यहाँ पे CRPF में आपको 6999 का बैच है, उतना देने की जरूरत नहीं है, Y332 कोड यूज करो और 1609 रुपए का ये बैच है, जल्दी से इसको ले लो। इसके अलावा अगर आप बाकी एग्जाम जैसे कि CDS का एग्जाम है 16 अप्रैल को, बहुत बार फोकस कर रहे हैं हम इस बात पे, समझ नहीं रहे हो, तो ये 8000 रुपए का बैच है, इसको भी आप ले सकते हैं। और बेस्ट बैच तो हमेशा महापैक होता है, तो आप महापैक ही ले सकते हैं, महापैक ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप ये 8000 का बैच है, कोड यूज कर लीजिए Y332 और अप्लाई कर दीजिए, तो ये आपको 1840 रुपए में मिल जाएगा, राइट। तो कोड आपको पता ही है, ऑल द वेरी बेस्ट। करंट अफेयर्स की क्लास आपकी हमेशा फ्री में होगी मेरे से। अगर आप GK पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, प्रॉमिस, बहुत मजेदार क्लास होती है, तो आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं आज ही। इसके अलावा अगर आपका कोई और फरमाइश है कि मैम ये वाला क्लास ले आइए, वो वाला क्लास ले आइए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ जो क्वेश्चन हमने पूछा था उसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे सीनियर लीडर के बारे में पूछा जा रहा है जो कि BJP के हैं, और इनका आंसर आप मुझे बताइएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट।